हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग लेके आया हूँ, और वो रीडिंग है डू दे मिस यू, यानी कि जो आपके पर्सन है जिसे भी आप डील कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में अभी दूर ही हैं, किसी वजह से वो दूर गए हैं, ट्रैवलिंग पे गए हैं, या किसी छोटी मोटी लड़ाई से डिस्टेंस में आ गए हैं, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। और आज हम एक नई चीज़ कर रहे हैं, आज हम निकाल रहे हैं आपके पर्सन के मैसेजेस। तो यहाँ सफल करके हम लोग आपके पर्सन के मैसेजेस निकालेंगे रीडिंग के एंड में। तो आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले हम टैरोट से देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, अगर कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है उनके मन में। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम सेक्स सभी देख सकते हैं। एंड न्यू टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर डे मैं एक वीडियो लोड करता हूँ। तो लेट्स बिगिन विद आवर कार्ड जनरल रीडिंग, जो रेजोनेट करे रखे रेजोनेट करे जाने दें मिल। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या कुछ है आप लोगों के लिए। आपके पर्सन के बारे में पहले हम देखते हैं कि क्या वो क्या सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको या नहीं। टेन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, काफी जंप आउट हो सकते हो रहे हैं कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ फैन, पेज ऑफ हैंड। क्या वो मिस कर रहे हैं आपको। टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फाइव ऑफ हैंड। मुझे लगता है काफी सारे लोग आपसे डिस्टेंस में हैं, आप लोग के पर्सन डिस्टेंस में है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं आपके पर्सन, मुझे लगता है कि डिस्टेंस में है। कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हुआ है, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हार्ट पेन का कार्ड आया है। कुछ बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है कुछ दिनों पहले, या बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है आप लोग के बीच में। तो यहाँ पे है टेन ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पर्सन बिल्कुल आपको ऐसा मिस कर रहे हैं, बहुत पेनफुल, बहुत पेन में है, वो बहुत पेन में है 100% आपके बिना। ये कार्ड मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आया है आपके लाइफ में, उनके साथ डिस्टेंस बढ़ गया है, हो सकता है कि बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है आपस में। तो यहाँ पे बहुत पेन में है और मिस कर रहे हैं आपको, इस सिचुएशन में बहुत हार्ड मिस कर रहे हैं, यानी कि इतने पेन में है कि सिर्फ उनको आपकी याद आ रही है और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, 100% कोई रास्ता नहीं मिल रहा है उनको, बहुत पेन में है वो। सो आप देखते हैं कि सेवन ऑफ हैंड्स बिल्कुल ही मिस कर रहे हैं आपको, और आपके लिए प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपके लिए प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं। आपको वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं जिसके लिए आपने उनसे बात की है, और बिल्कुल ही सक्सेस मिलने वाली है आपकी सोच जो है। आपने जो कहा है उनसे कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपने हो सकता है कुछ लोगों ने अल्टीमेटम दिया है उनको, तो और इस वजह से दूरी आई है क्योंकि वो कोई स्टैंड अप नहीं ले रहे थे, लेकिन अब वो मिस कर रहे हैं आपकी बातों को, आपके जो आपका ऑरा है उसको मिस कर रहे हैं, आप जो साथ थे आप उनके, उस साथ को मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रोटेक्टनेस दें आपको, प्रोटेक्टिव बने आपके लिए, और आपको बिल्कुल ही एक सुरक्षित रिलेशनशिप दें जिसके लिए वो मिस कर रहे हैं। और आप अब स्टैंडिंग हो गए, वो अपने आप पे बिल्कुल स्टैंड लेंगे वो आपके लिए, क्योंकि यहाँ जो कार्ड आ रहा है वो मिसिंग का तो आ ही रहा है, आपको मिस तो कर ही रहे हैं, साथ में एक चीज़ निकल के आ रही है कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बिल्कुल आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। ऑलरेडी मैंने कहा कि बहुत पेन में है आपके लिए, सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, हार्डली मिस कर रहे हैं उनको, कोई रास्ता, मुझे लगता है कि जो ब्रेकअप हुआ है ये कार्ड उससे ही कनेक्ट है, थ्री ऑफ फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा हुआ ब्रेकअप कि सारे दरवाजे ही बंद हो गए,
आप दोनों के बीच के सारे दरवाजे ही बंद हो गए कांटेक्ट, यहाँ इवन की कांटेक्ट भी, हम मुझे लगता है कि आप लोग का तो बिल्कुल, कुछ लोगों का तो लग रहा है कि बिल्कुल भी कांटेक्ट खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में चले गए हैं। इस सिचुएशन में इतने पेनफुल उनका सिचुएशन है इस समय कि वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अभी बिल्कुल हैंडीकैप हो गए हैं आपके बिना, और ये चीज़ उनको हर्ट कर रही है, बार बार उनको हर्ट कर रही है, और उनको लग रहा है कि कैसे सब चीज़, क्योंकि उनको कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। ये जो दीवार उन्होंने अपने और आपके बीच में खड़ी की है, और जो ब्रेकअप हुआ या लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए किसी वजह से, सब चीज़ छोड़ छाड़ के नो कांटेक्ट में चले गए, तो मिस तो बहुत हार्ड मिस है, मिस कर रहे हैं। साथ में उनको कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या करें, किससे बात करें, कैसे आप के पास पहुँचे, बहुत मिस कर रहे हैं, हार्डली मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज मुझे निकल के आ रहा है कि मिस तो वो कर रहे हैं, लेकिन इतने मेंटल ट्रामा से गुजर रहे हैं वो कि कुछ उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, हार्ड मिस है, बहुत मिस है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है रियलाइजेशन भी हो रहा हो उनको। फोर ऑफ एंड बिल्कुल भी मिस कर रहे हैं वो आपको, वो जल्द, मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए कार्ड है जो जल्द कहीं डिस्टेंस में गए हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने प्लानिंग काफ़ी कुछ की हुई है, तो सेलिब्रेशन का सोच रहे हैं, और मिस तो इतना कर रहे हैं आपको कि वो जल्द से जल्द आपके पास आके आपको, मुझे तो लगता है कि मैरिज का ही कहीं प्रपोजल ना दे दें आपको, तो ये वही स्थिति बनती, सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है मुझे, एक मैरिज की सिचुएशन बनती हुई आ रही है, नज़र आ रही है, जिसमें वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और उनके दिल में बस इतना है कि जल्द से जल्द मिलें और सेलिब्रेशन करें, एक दूसरे को प्रपोज करें, एंगेजमेंट का भी ऑफर दे सकते हैं आपको वो, तो यहाँ पे बिल्कुल ही सेलिब्रेशन के मूड में है आपके साथ, एंड यूनाइट फिर से होना चाहते हैं, रीयूनियन, यानी कि कुछ लोग अगर दूर चले गए किसी वजह से, छोटी मोटी लड़ाई से या किसी वजह से, रीयूनियन के बारे में पूरा सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, बिल्कुल ही स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ, और तालमेल बिठाना चाहते हैं, एक शांति लाना चाहते हैं, और ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने सोचा था कि चीज़ें बिगड़ गई अब सुधरेगी नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल ही मिसिंग, मिस कर रहे हैं वो आपको, आपके पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं मिस कर रहे हैं आपको, तो वहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ वैंड है और आपकी बात बनती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही मिस कर रहे हैं, और जल्द से जल्द सेलिब्रेशन करेंगे आपके साथ। पेज ऑफ वैंड मिस कर रहे हैं क्योंकि फोकस आपके तरफ है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, एंड बिल्कुल फ्रेंडली बनना चाहते हैं आपके साथ, अगर दूर हो गए हैं किसी वैसे लड़ाई झगड़ों की वजह से, तो पहले वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं और फिर से वो सारी चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल ही ईमानदारी से इस बार चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि एक मैरिज का ऑफर दे देंगे आपको, जैसा कि दोनों ही कार्ड मुझे एक मैरिज की वाइब दे रहा है, मिस कर रहे हैं आपको, 100% फोकस बनाए हुए हैं, और उनका विजन अब क्लियर हो गया है आपको लेके, कुछ डेयरिंग डिसीजंस लेंगे वो, अपनी फैमिली के खिलाफ जाके भी अगर उनको लेना पड़े तो वो लेंगे, और बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, एंड उनको मुझे लगता है कि घर वालों का, कुछ लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, डिवाइन का आशीर्वाद मिलेगा उसके बाद, लेकिन यहाँ जो मिसिंग का माहौल है, आप उनके लाइफ में नहीं हैं या दूर हैं किसी वजह से, डिस्टेंस में हैं किसी कारण से, तो फोकस बना हुआ है, बिल्कुल मिस कर रहे हैं आपको, बिल्कुल ही आपके तरफ ही स्टॉक कर रहे हैं आपको। टू ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही निर्णायक समय होने जा रहा है, क्योंकि जो मिस कर रहे हैं वो आपको, तो यहाँ पे जो भी वाइब निकल के आ रही है कार्ड से, वो ये बता रही है कि आपके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ डिसीजंस हैं जो पेंडिंग में हैं और वो जल्द से जल्द लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो बिल्कुल ही तालमेल बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो टू ऑफ पेंटिकल्स आप बता रहा, हो सकता है यहाँ कोई पैसों का भी इशू हो आप लोगों के बीच में, जिसके वजह से वो चीज़ मिस हो गई जो पहले आप दोनों में हुआ करती थी,
तो यहाँ पे वो बैलेंस में आएगी, क्योंकि आपके पर्सन बैलेंस करने में लगे हुए हैं, और क्योंकि चीज़ें पास्ट में अच्छी नहीं गई है, तो अब आपको बिल्कुल ही अप्स डाउन जो थे उनको सोच के उन्होंने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया है। काफ़ी फ्लेक्सिबल भी हो गए हैं माइंड से, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बल्कि जल्द से जल्द ही आप लोग का रिलेशनशिप फिर से वैसे ही जुड़ जाएगा जैसा कि पहले था, बैलेंस में आ जाएगा, बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। कुछ मनी मैटर हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कुछ पैसों को लेके कुछ चीज़ें हो सकती, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल वाइब्स दे रहा है, पैसों की भी वाइब दे रहा है। तो जब टू ऑफ पेंटिकल्स रीडिंग में आती है तो वहाँ पे पैसों का भी बिल्कुल ही रोल हो जाता है, भले ही वो प्यार में क्यों ना हो, तो वो चीज़ें बैलेंस में आने वाली हैं। और मिस कर रहे हैं उन दिनों को जो जब चीज़ें बैलेंस हुआ करती थी आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे तालमेल बिठाने में लगे हुए हैं, आपके पर्सन बिल्कुल ही मिस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप में से काफ़ी सारे लोग के पर्सन बहुत समय से आप दोनों लगता है कि अलग हैं, मुझे लग रहा है। ये कोई ब्रेकअप भी हो सकता है, या कोई ऐसा लाइफ साइकिल हो सकता है आप दोनों के बीच में जहाँ पे आपको दूर रहना था उनसे, तो वो समय अब खत्म होने को है, वो समय अब खत्म हो रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये वाइब दे रहा है कि अब गुड लक आ गया है, वो इतने दिनों से जो मिस कर रहे थे और आप भी उनको इतने दिनों से मिस कर रहे थे, वो डेस्टाइन था, आप दोनों का दूर होना डेस्टाइन था। अब मिसिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको या आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल चेंज आ रहा है, आपका रिलेशनशिप एक नया ढंग से ट्रांसफॉर्म होके, चेंज होके, दोबारा से रीस्टार्ट होने के लिए तैयार है। क्योंकि आप लोग मुझे लगता है कि सोलमेट्स हैं, कार्मिक नहीं है और ना ही ट्विन फ्लेम है, आप लोग सोलमेट्स हैं। तो बहुत ही निर्णायक दौर में आप लोग का रिलेशनशिप है, आपका किस्मत आपका साथ देगा, आपको फिर से एक चांस मिलने वाला है। अब मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं, मिसिंग तो बहुत कर रहे हैं, बहुत दिनों से वो मिस कर रहे हैं आपको, वो एक टर्निंग पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको चांस मिले आपसे मिलने का या बात करने का। तो इस बार उनका जो इच्छा है वो पूरा होगा, आपका भी इच्छा पूरा होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में दोबारा आप लोग मिल सकते हैं, मुझे लग रहा है किसी ग्रुप मीटिंग में या कोई फ्रेंड सर्कल में आप दोबारा से वो अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं और वो आपके सामने आना चाहते हैं, बिल्कुल ही आना चाहते हैं आपके सामने, मिसिंग है आप। फाइव ऑफ वैंड, बिल्कुल ही उलझन में, बिल्कुल उलझन में ही आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी सारी उलझनें उनकी लाइफ में चल रही हैं, इतनी उलझन चल रही है कि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए तो बहुत ही भयंकर आपस में लड़ाइयाँ हुई आप लोग के बीच में। और हो सकता है कि कोई मुझे लगता है कि सोशल इवेंट में या कहीं पे ऐसी जगह आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई किसी के साथ, जहाँ बिल्कुल भी आप उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो आपके लव वन आपसे दूर हैं, डिस्टेंस में है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, या सोशली हो, तो यहाँ पे बिल्कुल ही आपके लिए ऐसी स्थिति है कि आपके पर्सन भी किसी बहुत बड़े चीज़ में फंस गए हैं, किसी काम में हो सकता है, किसी ऑफिस में, किसी संघर्ष में, किसी पोजीशंस को लेके बहुत ही उलझन भरा समय उनके लिए, इकोनॉमिकल कुछ डिजास्टर्स हो सकता है उनके लिए, और जो कॉन्फ्लिक्ट टकराव की भावना आप दोनों के बीच में है वो आपके और आपके पर्सन के बीच में ईगो सेट्रिक आप लोग होंगे, ईगो में आप भी होंगे, ईगो में आपके पर्सन भी होंगे, तो वहाँ आपकी दोबारा से लड़ाई की संभावना बन जाती है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सावधान रहना होगा, क्योंकि फाइव ऑफ वैंड साफ साफ कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है, वॉर टेंशन को दिखा रहा है, टेंशन बढ़ सकता है। अपने पर्सन से आर्गुमेंट ना करें, अगर वो दूर हैं तो उनको छोड़ दें कुछ समय के लिए, समय दें उनको, और उसके बाद वो बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में है कि एक तरफ तो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनके उसके बारे में सोच रहे हैं
एक तरफ उनकी फैमिलीज में प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे उनका ध्यान है, एक तरफ वो आपको बिल्कुल, क्योंकि आप दूर हैं उनसे, एक तरफ आपको इतना मिस कर रहे हैं कि ये सब चीज़ों को साथ में लेते हुए भी चल रहे हैं और आपके आपको हार्डली मिस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बनाना होगा, क्योंकि उनको अपनी चीज़ों को ठीक खुद करनी होगी, खुद हीलिंग करनी होगी, जिससे कि आप दोनों का जो रिश्ता है फिर से दोबारा ट्रैक पर आ सके। तो अभी वो खुद के उलझन में है, लेकिन साथ साथ वो कई मल्टीपल सोच में पड़े हुए हैं, जिसमें एक आप भी हैं, और आपके लिए तो बहुत ही बुरा फील हो रहा है उनको, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको बोल के गए होंगे कि किसी काम की वजह से आपको दूर रहना पड़ेगा या फैमिली की वजह से दूर करना पड़ेगा। तो एक तरफ वो काम और फैमिली से जूझ रहे हैं और एक तरफ आपके तरफ भी ध्यान है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो इनकी बहुत अजीब स्थिति है, बेहतर ये होगा कि आपको शांत रहना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। सो मुझे यहाँ पे एक कार्ड और लेना होगा, और एक कार्ड आ गया है, लेट्स सी, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल एस ऑफ वैंड। तो यहाँ पे बिल्कुल ही मिस, इतना मिस कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनसे उनकी कोई चीज़ चोरी हो गई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनकी उनका दिल चोरी हो गया, उनका प्यार चोरी हो गया। इतना दूर हैं आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग में खट्टी मीठी लड़ाइयाँ हुई और फिर तुरंत बात बंद हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो अभी जिनकी बातचीत बंधा भी है, तो वहाँ अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ चोरी हो गई, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई चीज़ चोरी हो गई, वो मिस कर रहे हैं आपको, तो उन्हें लग रहा है कि कोई कीमती चीज़ चोरी हो गई इनके लाइफ से। एस ऑफ वैंड, बिल्कुल बिल्कुल बिगनिंग मिस कर रहे हैं इतना कि अब बिगनिंग होने वाली है आपकी रिलेशनशिप की फिर से एक बार। और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपना प्रपोजल कोई नए लवर को दिया है, तो वहाँ से वेट कर रहे थे कि क्या मैसेज आता है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या रातों को या दिन में मिस करते हैं आपको, जब वो आपके साथ नहीं रहते हैं तो क्या मिस करते हैं। तो बिल्कुल हाँ, मिस कर रहे हैं, वो एक नया बिगनिंग चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि उनके लिए भी आपका आपके लिए वो वेट कर रहे हैं। अगर आपने प्रपोज़ किया, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने दिल की बात उनको बताई है और वो आपको मिस कर रहे हैं। बता के आप थोड़ा साइड हो गए हैं क्योंकि उनसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन वो आपको अब मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही एक शुरुआत को दर्शा रहा है एस ऑफ वैंड आपके लाइफ में। तो यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ही उनके तरफ से जवाब मिलने वाला है, एक शुरुआत होने वाली है। खासकर नए लोगों के लिए ये कार्ड मुझे लग रहा है। अगर आप किसी से मिलजुल रहे हैं और चाहते हैं कि वहाँ से आपको लव ऑफर आया, और जानना चाहते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं मिस कर रहे हैं, तो हाँ, जब भी आप उनसे दूर रहते हैं आप सबको मिस करते हैं और आपके लिए भरपूर प्यार है उनके मन में, क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा है कि एक नए शुरुआत को दर्शाता है। तो डोंट वरी, ये शुरुआत होगी, क्योंकि वो अभी मिस कर रहे हैं आपको, और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि उनके तरफ से भी वाइब आएगी। सो आज हम देखते हैं साथ में कि आपके जो लवर वन हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, तो उनके मैसेज क्या है, वो हम निकालेंगे यहाँ, क्या कुछ निकल के आता है आपके लिए। तो लेट्स सी, हम लोग कुछ लेंगे यहाँ, मैसेजेस लेंगे, लव मैसेजेस लेंगे, और देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं। सो लेट्स सी, इतने मैसेजेस हम निकाल के देखते हैं, तो उनका क्या मैसेज है हम पढ़ेंगे अब। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। ये फर्स्ट टाइम मैं एडिशन कर रहा हूँ, तो लेट्स सी देखते हैं क्या कुछ है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं इनडायरेक्टली आपको। आई एम योर्स, तो पहला ही मैसेज आया है आई एम योर्स, यानी कि वो आपके हैं, बिल्कुल ही आपको मिस कर रहे हैं और बता रहे हैं और बताना चाहते हैं कि वो आपके हैं। तो देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई विल कॉल यू, यानी कि आपको कॉल करेंगे वो, डोंट वरी, आपको कॉल आएगा, कॉल करेंगे वो, कॉल करना चाहते हैं आपको। लेट्स सी और उनके दिल में क्या है, देखते हैं। कम बैक, अगर आप दूर चले गए हैं, खुद से दूर चले गए हैं, तो आपको बुला रहे हैं, कम बैक का मैसेज है।
सो लव मैसेजेस काफी अच्छे आ रहे हैं, लेट्स सी और देखते हैं क्या है। डोंट फॉरगेट मी, बिल्कुल आप दूर चले गए हैं तो उनको भूलिए मत, वो बिल्कुल आएंगे, उनका दिल का मैसेज तो यही कह रहा है। लेट्स सी और क्या है। डू यू लव मी, अगर कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में है और वो तो बहुत मिस कर रहा है आपको, ये बात हो सकता है आप जानते हो, तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं डू यू लव मी, कहने की हिम्मत नहीं होगी लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं डू यू लव मी, तो इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। और देखते हैं लव यू, यानी कि लव यू, कोई ऐसे पर्सन है जो आपको लव यू बोल रहे हैं, आपने अगर उनको लव ऑफर दिया है, लव यू कहा है आपने, तो बिल्कुल भी वहाँ इनडायरेक्टली वो अपने दिल से बोल रहे हैं कि हाँ वो भी आपको प्यार करते हैं, ये सब दिल की बातें हैं। फॉरगिव मी, अगर कोई ऐसा इंसान चला गया है जो आपको लगता है कि धोखा उन्होंने दिया है आपको, तो यहाँ एक क्षमा मांगता हुआ मैसेज आया है उनके तरफ से, मुझे लगता है उनका कहना है फॉरगिव मी, तो ये आप पे है, आप उनको फॉरगिव करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। लेट्स सी और मैसेजेस देखते हैं क्या है। वन ऑफ माई डेट, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हमेशा मिस करता है और वो पूछ रहा है, अपने दिल की बात आपसे पूछ रहा है कि वन ऑफ माई डेट, यानी कि आप उनके डेट बनना चाहते हैं, तो ये आप पे है कि उनके डेट आप बनना चाहते हैं या नहीं। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी, मीट मी, मीट मी का मैसेज आया है, तो यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको चाहता है एंड वो आपको बिल्कुल ही एक संदेश दे रहा है कि मीट मी, यानी कि मिलिए उनसे। लेट्स सी, मैसेज मी, मैसेज मी का भी मैसेज आया है, कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करें, हो सकता है कि मैसेज का आदान प्रदान बंद हो गया हो, एक्सचेंज बंद हो गया हो, तो यहाँ एक बार फिर से मैसेज चाहते हैं कि आप उनको मैसेज कीजिए। लेट्स सी वन मोर कार्ड मैसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, अगर आपको लगता है कि आपने उनकी बातों को नहीं समझा और वो भी आपको बताना चाह रहे हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, तो आया है मैसेज, समझने की कोशिश कीजिए, वो बता रहे हैं, हो सकता है उनके पास टाइम ना हो, किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो, सो यहाँ पे एक मैसेज निकल के उनके दिल की बात आई है। एक आखिरी मैसेज है आपके लवर वन का, कॉल मी, सो कॉल कीजिए, कॉल मी का मैसेज आ गया है, उनको कॉल कीजिए और अपने दिल की बात भी उनसे शेयर कीजिए और उनकी भी सुनिए। तो आपके लवर वन का जो मैसेज है, मिस तो कर ही रहे हैं, साथ में उनके लव मैसेजेस आए हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे उनके बारे में जानने के लिए और अपने बारे में खुद समझने के लिए आपको खुद। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, ओम नमः शिवाय।